हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राइडर बहादुरगढ़। तो आज हम पहुंच चुके हैं धर्मसिंह सिवान के ऑफिस में, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है वार्ड नंबर 1 से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो जन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ है धर्मसिंह जी सिवान, जो कि वार्ड नंबर 1 के चुनाव परिषद में बीजेपी के प्रत्याशी है, और वो अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं धर्म सिंह सिवान रेलवे विशेष सेवानिवृत्त हूँ। इस समय 65 साल की उम्र है और मैं रिटायरमेंट के बाद बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने अपनी आस्था से लोगों से एक अपील करनी है कि शहर में इस वार्ड को सबसे पिछड़ा हुआ घोषित कर रखा है, जो कि इस वार्ड के वासियों के लिए, बासिंदों को, रहने वालों के लिए बहुत ही गलत है। नहीं तो इस वार्ड में सबसे बढ़िया तरक्की होनी चाहिए थी। इस वार्ड की लंबी चौड़ी रास्ते या सड़कें, उस लंबाई चौड़ाई को देखते हुए ना तो यह स्कूल की व्यवस्था है, ना कोई पार्क की व्यवस्था है, ना कोई सड़क की भी सही व्यवस्था नहीं है। पानी भी टाइम पे नहीं आ रहा है, ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई ऐसा कोई साधन है जिससे कि लोग ठीक ठाक से अपना जीवन यापन कर सके। पानी भी कभी 3 दिन बाद आता है, नहीं भी आता है। बिजली की व्यवस्था ऐसे कट मारते, कई बार कट मार जाते, घंटों लोग बैठे रहते हैं। बिजली पानी के तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो मैं ये देख के दंग हूँ कि लोग, पता नहीं हम लोगों को कैसे नरक में डाल रखे हैं उन्होंने, कमेटी वालों ने। कोई काम नहीं करके राजी, कोई शहर की तरफ से, बस व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। ये जो हमारा बराई फाटक से उतरते ही इसको 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ये मार्ग। एक बराई रोड की तरफ आ जाता है, एक डिग्गी वाड़े रोड की तरफ चला जाता है। डिग्गी वाड़ा रोड बिल्कुल चला जाता है, इसमें 1 और 3 दो वार्ड आ जाते हैं। इस फाटक से उतरते ही एक तालाबनुमा कॉलोनी बन जाती है। जब भी कोई बारिश होती है प्राकृतिक, उस बारिश के टाइम में उस जे फाटक के पास में, जो हमारा बिल्कुल नीचे उतरते ही कोई 100 कदम भी नहीं, वहाँ पे 3-4 घंटे, यानी 4 से 8 घंटे तक, 4 से 8 घंटे तक पानी इतना खड़ा हो जाता है कि आदमी, छोटे बच्चे तो डूब जाएं, और कोई व्हीकल नहीं निकल सकता। ये मेरे देखा हुआ नहीं, मैं 30-32 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ, 36 साल से, और हमने देख के कह के तंग हो लिए। अभी जब 2 महीने पहले हमने इसका सर्वे कराया था, म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी एमई साहब थे, जेई साहब थे, जितने भी आए थे, विधायक जी को भी लेके आए स्पेशल, हम 5-7 लोग गए वहाँ पर, अपील लगाई, उनसे कहा कि साहब इस पानी का निपटारा करो, क्यों कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये पानी खड़ा जाता है 4-5 घंटे, घरों में घुस जाता है, बदबू आती है, क्योंकि सारा जितने भी वार्डों का पानी आता है, 1, 2, 3, 4 ये जितने वार्डों का पानी आता है, वो सीवर में ना जाकर यहाँ खड़ा हो जाता है, जिससे हमारी व्यवस्था खराब हो जाती है, और 4 घंटे तक या 6 घंटे 8 घंटे तक पानी कहीं नहीं निकल पाता है। तो मेरी ये गुजारिश है, अपील है, जो हमने इसका सर्वे कराया, उस सर्वे में ये आया था, JEE, ME और जितने भी इंजीनियर आए थे कमेटी से, उन्होंने यही कहा था कि भाई हम इसके लिए एक बूस्टर पंप लगवाएंगे। हम दिनचर्या को लेके ये तय कर रहे हैं कि भी इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर सरकार ऊपर नीचे, और ये नीचे की जो सरकार है, ये भी अगर हमारी बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो हम यहाँ काम जितने भी रुके हुए पड़े हैं, जो होने चाहिए थे और नहीं हो पाए, वो समस्याएं सारी मिल बैठ के कमेटी से समझा के, उनके टेंडर वेंडर लगवा के सारी समस्याएं हल करवाएं, ताकि लोगों का जीवन जो है सुखमय और सुबह और आराम से बीत सके।
यानी हम उस सुविधाओं का लाभ ले सकें। जैसे शहरों में और सोसाइटीज़ में या वार्डों में बढ़िया जो तरीके से जितने भी सेक्टर हैं या कॉलोनी जो वहाँ पे जहाँ पास कॉलोनियाँ हैं उनमें हैं, वो सुविधाएँ यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि शहर के बासिंदे यहीं रहते हैं, यहाँ के बासिंदे शहर में रहते हैं और सब टैक्स पेयर हैं, सब अपना चूल्हा टैक्स या हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स वो दे के हैं, अभी फारिग हुए हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ जनता से कि भी एक समझदार और सभ्य यानी सुखित और सुरक्षित आदमी जो इस वार्ड के हाथों में अपनी ईमानदारी से मेहनत से लगन के साथ इस वार्ड को आगे बढ़ाए और अपनी कामयाबी के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि एक बार मौका दें मुझे, मैं आप लोगों की जितनी समस्याएं हैं इन मैं पूरा और कर्मठता से काम करवा के कोशिश करूँगा। मैं इतना आश्वासन देता हूँ, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास ये एक नारा है हमारा और मैं इन्हीं पे अमल करते हुए आप लोगों की जितनी भी समस्याएं उनका निदान कराने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आने वाले 19 तारीख को बाहरी बहुमत से कमल का फूल का बटन दबाएं और नीचे की जो वार्ड नंबर 1 की पार्षद के लिए जो हम खड़े हैं धर्म सिंह सिवान, मैं अपील करता हूँ पार्षद के लिए हम हैं धर्म सिंह सिवान और चेयरपर्सन के लिए सरोज राठी जी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताएं। 19 तारीख को मैं आपका इस संदेश के साथ इंतज़ार करूंगा, आपकी दुआ हम लोगों के लिए आशीर्वाद होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से नम्र अपील करता हूँ, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। तो दोस्तों धर्म सिंह सिवान जी ने अपनी मुख्य बातें बताई, जो जो हमारे वार्ड की समस्या है उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया, आप अपना कीमती वोट देकर इनको विजय बनाइए।